सो मैं इस सारिया नू कहांगा जिहड़ा कोई लॉ वल्लों लोड़िंदा है वो अपने आप नू प्रोसेस ऑफ लॉ दे अगे सबमिट करे। धार्मिक स्थानां दी वरतों अपने निजी कारणां करके नहीं करनी चाहीदी, धर्म ग्रंथां दी धर्म स्थानां दी दुरवरतों नहीं होनी चाहीदी। जिहड़े शरारती अंसर है जिहड़े उन्हां नाल सख्ती नाल असीं डील करांगे, किसी नू असीं इजाजत नहीं दांगे कि पाकिस्तान पंजाब दी पीस डिस्टर्ब की जाए। जिहड़ा शख्स कोई भी होवे जिहड़ा लॉ नू वांटेड है असीं उहनू फड़ांगे। सो इट इज़ बैटर दैट सच पीपल शुड सबमिट टू द लॉ। सत श्री अकाल, मैं रीना धीमान, तुसी देख रहे हो डेली न्यूज पंजाबी ते गल करांगे पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव अते पुलिस कमिश्नर लॉ निहाल सिंह नूं लै के जिहड़े कि अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे पहुंचे। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे होए पंजाब दे डीजीपी वल्लों कहा गया कि शरारती अंसरां नूं विदेशां दे विचों हिमायत मिल रही है। इस नाल ही उन्हां दा कहना है कि पाकिस्तान दी जिहड़ियां खुफिया एजेंसियां ने उन्हां दे वल्लों भी इन्हां दा समर्थन कीता जा रिहा, पूरी सपोर्ट कीती जा रही है जो कि किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं कीती जाएगी। अमृतपाल सिंह नूं लै के उन्हां दा कहना है कि अजिहे लोकां नूं खुद आत्म समर्पण कर देना चाहिए। अज मैं पंजाब दे विच खुशहाली अमन शांति लई दरबार साहब मत्था टेकन आया सीगा। तो मैं यह भी दसना चाहवागा कि पंजाब दे विच जिहड़ी है हार्ड अर्नड पीस हैगी सारे पंजाबी ते पंजाब पुलिस मिलके इस नू डिस्टर्ब नहीं होन देवांगे। मैं दो तीन गल्लां जरूर कहना चाहवागा कि सब तो पहले कि जिहड़े भी शरारती अंसर हैगे जिन्हां नू बाहरली ताकतां पाकिस्तान की ISI का सपोर्ट हैगा वो पंजाब दे विच पीस नू डिस्टर्ब करन दी कोशिश करदे पए हैगे, उन्हां दे मनसूबे कामयाब नहीं होणगे। नंबर दो, मैं लोगों को दसना चाहवागा तुसी इत्थे अमृतसर रहिंदे हो, तुसी पंजाब दे विच घूमो फिरो, देखो हालात इत्थे बिल्कुल नॉर्मल हैं। जिहड़े साडे पंजाबी भरा बाहर बैठे हैं USA कैनेडा दे विच, मैं उन्हां नूं कहांगा पंजाब दे विच एबसोल्यूट पीस है, पंजाब दे विच रूल ऑफ लॉ है। तुसी आप आके देखो, तुसी अपने भरावां नाल रिश्तेदारां नाल तुसी गल करदे हो। सो देयरफोर जे पंजाब बारे कोई भ्रांतियां हैगियां गलत इंप्रैशन है तो उस नूं दूर कर लो। पंजाब दी पुलिस लॉ अबाइडिंग पुलिस है, साडा असी लॉ दे जिम्मेवार है, वी आर अकाउंटेबल टू द लॉ। सो मैं इस सारिआं नूं कहांगा जिहड़ा कोई लॉ वल्लों लोड़िंदा है वो अपने आप नूं प्रोसेस ऑफ लॉ दे अगे सबमिट करे। सो लॉ दे मुताबिक जिहड़ा जिहड़ा साडे देश दा कानून है उस दे मुताबिक जाबते दे मुताबिक सारिआं कोल अपने लीगल राइट्स हैगे, लीगल प्रोसेस है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इससे कमेंट नहीं करांगा क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस होंदा है, पर मैं अदरवाइज कहांगा कि धार्मिक स्थानां दी वरतों अपने निजी कारणां करके नहीं करनी चाहीदी, धर्म ग्रंथां दी धर्म स्थानां दी दुरवरतों नहीं होनी चाहीदी। तो असी पंजाब दे विच पीस नूं मेनटेन रखांगे। जिहड़े शरारती अंसर हैं जिहड़े उन्हां नाल सख्ती नाल असी डील करांगे, किसी नूं असी इजाजत नहीं दांगे कि पंजाब दी पीस डिस्टर्ब की जाए, भावें वह पाकिस्तान हैगा भावें कोई एजेंसी हैगी। नाल दी नाल मैं सारिआं नूं अपील करांगा कि रूमर्स ते ना जाओ, तुसीं आप आके देखो, चैक करो, हालात बिल्कुल नॉर्मल है, असी एक लॉ अबाइडिंग सिस्टम दे विच असी फंक्शन करते हैं। तो मैं अश्योर करदा हाँ कि असी एस पर लॉ ही अगे कार्रवाई करेंगे। 13-14 को बठिंडा में जगदा साहब ने लोगों का कर्फ्यू है, उस पे आपका कहना कहते हैं अमृतपाल भी वहां पे सबमिट कर सकते। देखो जी, जिहड़ा शख्स कोई भी होवे जिहड़ा लॉ नू वांटेड है असी उहनू फड़ांगे। सो इट इज़ बैटर दैट सच पीपल शुड सबमिट टू द लॉ। ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਯੋਗ DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰੀਏ।